So now we have talked a lot many about this website development, and we are going to discuss about website maintenance also. So these are some important aspects that you need to cover while dealing with the website development, like domain names, content is important, website design is also important, website building means how to develop the website, and hosting the website, as we have read earlier. Okay, so all these are the important dimensions of website development. Similarly, for website maintenance, the important dimensions are monitoring the use, means kis tarike se website ka use kiya ja raha hai, kitna traffic hai, kitne customers hain jo ek baar ek sath login kar sakte hain, theek hai, to us hisab se aapko jo bandwidth hai wo select karni padegi. और इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है, रेगुलरली अपडेट करना है. जैसे आप पहले देखिए, जब ई गवर्नेंस अप्लाई किया गया तो स्टार्टिंग में मेनली आप देखें तो ऐसे डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट नहीं हुआ करती थी, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना उनकी वेबसाइट्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है. एक भारत सरकार की हो गई और उत्तर प्रदेश सरकार, इस तरीके से करके आप देखिए तो वेबसाइट्स हुआ करती थी और उन्हीं के थ्रू ही वो पोर्टल मैनेज किए जाते थे. लेकिन उस समय आप देखिए तो अपडेट नहीं होते थे. अब इवन स्टेट वाइज भी आप देखेंगे ना, तो स्टेट वाइज भी जो मिनिस्ट्री है उनकी अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द मेंटेनेंस है ना, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट है, और उसके बाद फर्दर दे आर मेंटेनिंग ऑल्सो. और इसके पीछे आप देखिए तो NIC का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को मेंटेन करता है, डेवलपमेंट में काम करता है. सो ऑल दीज आर डन थ्रू दिस NIC, ओके. और उन्होंने कुछ और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है. तो उनके थ्रू वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करते हैं जनरली ई गवर्नेंस के लिए, ओके. तो आजकल आप देखिए तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई. फर्दर अब देखिए तो जो चालान वगैरह की प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एम परिवहन ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो उसमें आप जैसे ही आप अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, यू विल सी ऑल द डिटेल, है ना, कि उसका जो पॉल्यूशन है वो कब एक्सपायर होने वाला है, जो फिटनेस है वो कब तक है, जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है, सारी डिटेल आ जाएगी उसमें, ठीक है. तो उसके बेसिस पर जनरली जैसे आप दूर से कहीं चले आ रहे हैं, है ना, और कोई ट्रैफिक वाला है, उसने उसमें गाड़ी का नंबर डाला और वो सारी डिटेल देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है. तो दैट इज बेसिकली, तो ये डिजिटलाइजेशन है जो कि पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेबसाइट मेंटेनेंस, ओके. So, do you have any query or doubt regarding this? You may ask.